तीन राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी सरकार हरियाणा में होने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन बीजेपी की तैयारी के चलते ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार अलग तरीके की तैयारी कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा अब की बार मुस्लिम मतदाताओं को भी साधने में जुट गई है, जिसको लेकर बीते सोमवार भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दरगाह शाह विलायत शमसुद्दीन तुर्क पानीपत के सज्जादा नशीन सैयद मेराज हुसैन साबरी को सूफी संवाद महाअभियान का पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है, जिसके बाद सैयद मेराज हुसैन साबरी ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का धन्यवाद अदा किया। वहीं दरगाह में पहुंचे सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सैयद मेराज हुसैन साबरी का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसको लेकर क्या कहते हैं? मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में सोमवार को यानी कि पीर के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मोर्चे के, उन्होंने बुलाकर जो सूफी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर जो सूफी संवाद महाअभियान बड़ी ज़ोर शोर के साथ चलाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जो खानखाएँ हैं, दरगाहें हैं, तमाम सूफी इकराम आकर उस मोदी जी के इस मिशन से वाबस्ता हो रहे हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के सूफिया इकराम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के इस मिशन से जुड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान में सूफी संवाद महाअभियान चलाया जा रहा है। और सोमवार के दिन राष्ट्रीय कार्यालय में मुझे हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया सूफी संवाद महाअभियान का। और क्योंकि ये जो सूफिया और जो मशाइख उज़ाम होते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े खामोश और पोशीदा रहने वाले लोग हैं, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ और देखने को मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूफिया की बात की और दरगाहों की हिफाजत की बात की। और इसी इस आहान पर जब ये मिशन चल रहा है तो तमाम सूफिया इकराम में एक खुशी की लहर है, और इस मिशन को देखते हुए तमाम सूफिया भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी को अंजाम दूंगा। जमीन पे जो बातचीत है, इस तरह से भेदभाव की नीति चल रही है, क्या लगता है सही है गलत है, कैसे करना नहीं, ये सब अफवाहें हैं। ये जो क्षेत्रीय पार्टी और जो दूसरी पार्टियाँ हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा काम कर रही है उसको बदनाम करने की हमेशा फिराग में लगी रहती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।